तो अब भर चुकी है, सोरों की जो मंडी है, मेला है, भर चुका है। शाम का वक्त है तो इस टाइम मैंने क्या आपको एक अपडेट दे दूं। हेलो दोस्तों, इंडियन चालवास पर आपका स्वागत है, मैं हूं आतिफ अनवर। सोरो मेला लग चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि मेले में कितने घोड़ा घोड़ी पहुंच चुके हैं। शाम का वक्त है, मेले में एकदम से उछाल आया है। पहले लग रहा था कि खाली रहेगा, लेकिन अब एकदम से आ गए घोड़ा घोड़ी, और रात में तो ऐसा लग रहा है टूट पड़ेंगे। तो आप लोग आइए, आएंगे क्यों नहीं, जब पाले और शौकीन है तो आओगे ही। आ जाओ भाई लोग, और अभी मैं मेला घुमा देता हूँ आपको, देख लेना कि क्या माहौल है। चलिए आइए मेला देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं शाम के वक्त का मेले का माहौल दिखा दूँ आपको। अब काफ़ी तादाद में घोड़ा घोड़ी पहुँच चुके हैं यहाँ पर सोरो मेले में, जो कासगंज में लगता है। तो मैंने क्या एक अपडेट आपको दे दूँ कि अब घोड़े पहुँचने लगे हैं, और यहाँ भी देखिए अब काफ़ी टेंट वगैरह लग गए हैं और आना स्टार्ट है। उस साइड में देखिए गाड़ियाँ भी उतर रही हैं, और ये सब यहाँ पर भी लग रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा मेला, और शाम का वक्त है तो मैंने क्या एक अपडेट आपको डाल दूँ, देख लोगे आप तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि कितने घोड़ा घोड़ी पहुँच गए हैं। देखिए दोपहर तक तो ऐसा लग रहा था कि मेला नहीं भर रहा है, लेकिन दो तीन घंटे में मेले में ऐसा चेंजेस आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब बहुत तेज़ी से मेला भर जाएगा, फुल हो जाएगा। कल तक चांसेस ये है कि अच्छे तादाद में घोड़ा घोड़ी पहुँचेंगे, रात में भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाला था आपने देखा होगा, उसमें इतने घोड़ा घोड़ी नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अब आवाजाही लगातार जारी है। देखिए इस साइड में भी काफ़ी आ गए, टेंट वगैरह लग गए हैं। शाम का वक्त हो रहा है, तो जो लोग हैं जो देख लें भाई कि अब घोड़ा घोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच गए, देख सकते हैं आप। तो मेले का अब ये माहौल है, शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं, घोड़ा घोड़ी अपने पहुँचे हुए हैं। इस साइड किसानों का माल है, ये भी एकदम से बड़ा है। दोपहर तक यहाँ कुछ था नहीं देखने को, लेकिन अब थोड़ी सी रौनक आ गई है मेले में। अब यही है कि जिसको पहुँचना है जल्दी से पहुँचे और मेले के मज़े ले, क्योंकि अपना ये सोरों का मेला जो है पूरी शबाब पर आने की तैयारी में है। ये देखिए सब पूरे एकदम से भर गया है, ये जैसे आप समझ लो कि भाई माहौल बनना जो होता है वो तैयार हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, उनको मैं आने का रास्ता भी यहाँ का बता देता हूँ कि कैसे आना है। ये यूपी में कासगंज एक जगह पड़ती है, उससे सटा हुआ है सोरो, करीब 7-8 किलोमीटर है। तो आपको अगर आप पंजाब से या कोई और स्टेट से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो आप अलीगढ़ आएँ। अलीगढ़ से करीब 115 किलोमीटर के आसपास है, आगरा से भी लगभग इतना ही है, 100 किलोमीटर के दायरे में सारी हैं, और आगरा मथुरा बरेली से भी इतना ही पड़ेगा, और ये मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है, तो होटल वगैरह की भी यहाँ दिक्कत नहीं है रुकने की। तो देखिए तैयारियाँ जारी हैं, मेले की रौनक बढ़ चुकी है, और अब यहाँ तो एकदम से रौनक बढ़ी है। कल तक कुछ नहीं था, दोपहर तक कुछ नहीं था, अब देखिए पूरा माहौल है। माल अच्छा है भाई साहब कह रहे हैं, तुम्हारा बैग नहीं उतरा है जब से मैं देख रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, देखिए अब रौनक आई है। इस रोड पे सुबह कुछ नहीं था, अब यही है कि एक आज रात में फुल होने वाला है ये सोरों का मेला। कल से अच्छा हो जाएगा, आज से लिखाई स्टार्ट हुई है, बिक्री तो एक दो दिन से चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा और माहौल हो गया है। पीछे देख सकते हैं, कल तो मैंने दिखाया था दुकानें साइड में लगी हुई, तो अब भर चुकी है सोरों की जो मंडी है, मेला है, भर चुका है। शाम का वक्त है तो इस टाइम मैंने क्या आपको एक अपडेट दे दूं, आप लोग देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेले में कितने घोड़ा घोड़ी पहुंच चुके हैं। ये सब व्यापारियों का माल है, उस साइड मैंने दिखाया किसानों का है, इस साइड छोटे घोड़े हैं। ये अभी जो जगह है वो थोड़ी सी खाली दिख रही है, ये भी भर जाएगी। इधर बच्चे आएंगे और बहुत सारे बच्चे आएंगे, आ ही रही हैं गाड़ियाँ, लगातार उतर रही हैं, और ये देखिए सब यहाँ पर भी टेंट में कोने कोने में पहुँच चुके हैं।
ये देखो भाई साहब कह रहे हैं कि घास बिक रही है, ये घास का खींच लिया मैंने वीडियो, घास बिक रही है, घास की भी व्यवस्था है, डिस्काउंट दे देंगे, सस्ते में दे देंगे, हंस रहे हैं। इस साइड में भी है देखिए, यहाँ पर घोड़े पहुँच गए हैं। तो यही है कि बस मेला अब रौनक आ चुकी है, मेले में भर चुका है, धीरे धीरे और हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं रोड के इस पार छोटे घोड़े हैं, और उस साइड ये बच्चे बंधे हुए हैं, और दो साइड ये मेला लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस साइड भी छोटे में छोटे जो घोड़ों का मेला इस साइड में है, तो रौनक बढ़ चुकी है मेले की, आवाजाही चालू है, आ रहे हैं घोड़ा घोड़ी, पहुंच रहे हैं। फिर मैं एक बार आपको बता दूं, परमिशन पक्की वाली है, घबराइए मत, चले आइए। तो चलिए, मुझे अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।